सड़क पर अपनी आवाज बुलंद और लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा देने वाली शान की सवारी कहे जाने वाले बुलेट पर सवार ये हैं दिल्ली के उत्तम नगर के रहने वाले यश कुमार जिंदल। दिल्ली यूनिवर्सिटी के राजधानी कॉलेज में बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट यश सिर्फ शान की सवारी ही नहीं करते बल्कि खुद भी देश की शान बनना चाहते हैं। पावर लिफ्टर यश कुमार जिंदल की चाहत पावर लिफ्टिंग गेम में देश का नाम दुनिया भर में रोशन करना है। इसके लिए वे 14 साल की छोटी उम्र से ही जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हाल ही में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियन बेंच प्रेस चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर वतन लौटे यश का कहना है कि भले ही अपने देश में पावर लिफ्टिंग गेम को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता हो लेकिन विदेश में जीत के बाद तिरंगा फहराने का खुद का एहसास नसीब वालों को मिलता है और उन चंद नसीब वालों में एक यश कुमार जिंदल भी हैं। यश का कहना है कि ताशकंद में मिली जीत के बाद लोगों का उनके प्रति नजरिया ही बदल गया और अब ये उनके लिए प्रेरणा का काम करता है। फीलिंग प्राउड एंड देन आगे अपने देश के लिए और भी बहुत मेडल जीतने हैं कॉमनवेल्थ में वर्ल्ड में। सिर्फ यश ही नहीं उनका पूरा परिवार और पड़ोसी उनके इस कामयाबी से बेहद उत्साहित है। लेकिन यश को ये कामयाबी रातों रात नहीं मिली है। वे इसके लिए महज 14 साल की छोटी उम्र से ही जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। जब वो 8वीं क्लास में पढ़ते थे तभी पावर लिफ्टिंग उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। साथियों के कहने पर खेल खेल में पावर लिफ्टिंग गेम से जुड़ने वाले यश कुमार जिंदल आज देश विदेश में अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़ रहे हैं और दुनिया को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। इस बात की तस्दीक उनके जीते गए ये मेडल करते हैं। भले ही आज यश पर हर कोई नाज कर रहा हो लेकिन उन्हें पावर लिफ्टिंग गेम को जारी रखने के लिए घर से लेकर बाहर तक संघर्ष करना पड़ा। दरअसल यश के माता पिता ये नहीं चाहते थे कि उनका लाडला बेटा ऐसे गेम से जुड़े जिसमें शोहरत और पैसे दोनों का ही टोटा हो। लेकिन कहते हैं ना, जिद करो और दुनिया बदलो। यश ने वही किया। यश की जिद को उनका परिवार पहली बार तब समझा जब 2014 में उन्होंने कोयम्बटूर में हुए सब जूनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया। उसके बाद परिवार का इरादा बदला और यश का हौसला बढ़ा। मैं फर्स्ट टाइम गया तो मैंने इसको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं खेलना ये गेम, लेकिन इन्होंने नहीं मानी। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर ये फर्स्ट टाइम एक बार नेशनल खेलने गए, क्वालिफाई किया इन्होंने, फिर ये नेशनल खेलने गए। तब ये मैं इनको रेलवे स्टेशन छोड़ गया। उसके बाद जब ये आए तो मैं लेने गया इनको, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने लगा कुछ इसमें है, इसकी ज़्यादा वो नहीं, वैल्यू नहीं है, ज़्यादा फेमस नहीं है ज़्यादा, ये इस वजह से थोड़ा था। तो घर पे सबको यही था कि इतना पॉपुलर नहीं है गेम, लोग नहीं जानते हैं, तो इतना ज़्यादा कुछ होगा नहीं ना, तो हमारी साइड से होगा क्योंकि हम भी इतना वो नहीं करते कि हाँ यार बहुत पॉपुलर गेम है तो जा खेलने जा, इतना उसको सपोर्ट नहीं किया। बट फिर उसने जब खेलना शुरू किया फिर हमने भी उसको सपोर्ट किया कि चल ठीक है तू जा खेल, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी कर। यश का अब पूरा ध्यान गोल्ड मेडल पर था और ये चांस भी उन्हें जल्दी ही मिल गया। फरवरी 2015 में दिल्ली के कीर्ति नगर में हुए दिल्ली स्टेट ब्रेंज प्रेस चैंपियनशिप में यश ने 93 किलोग्राम में गोल्ड मेडल हासिल कर सभी को चौंका दिया। जबकि 2016 के मार्च में हिमाचल प्रदेश में हुए सब जूनियर नेशनल ब्रेंज प्रेस चैंपियनशिप एकोपाइड में 105 किलोग्राम वर्ग में यश ने सिल्वर मेडल हासिल किया। आज यश सिर्फ अपने घर के ही नहीं दोस्तों और अपने जानने वालों के बीच किसी हीरो से कम नहीं है। कुमार जिंदल हमारे भाई साहब का बेटा है, बहुत अच्छा है और मैं चाहता हूं कि आगे भी ये बढ़ करके काफ़ी नाम रोशन करे देश का और देश के लिए मेडल जीते। देखा है इसको कि ये अपने करियर के लिए बहुत मतलब टारगेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट अपना रखता था कि मेरे को इस टारगेट को अचीव करना ही करना है, तो हमको पूरी उम्मीद थी कि अब मतलब इंडिया के लिए मेडल जरूर लाएगा।
बहुत गौरव की बात है, हम यश को बचपन से जानते हैं, बहुत ही मतलब चुलबुला, बहुत ही मेहनती, बहुत ही होनहार बच्चा रहा है। मतलब इसके बारे में कुछ कह पाना कि ये इतना कर गुजरेगा हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमें बहुत खुशी है ये जानकर कि हमारा बच्चा आज हमारे देश का गौरव, हमारा नाम रोशन करके आया है। अब यश का पूरा ध्यान कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने पर है। वे उसमें मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करना चाहते हैं और इस गेम को पॉपुलर बनाना चाहते हैं। सरकार की उपेक्षा के शिकार यश को देश के स्पोर्ट्स मंत्री से कोई शिकायत तो नहीं है, लेकिन उनकी अपील है कि सरकार भले ही क्रिकेट की तरह पावर लिफ्टिंग गेम को तरजीह ना दे, लेकिन इतना जरूर करे कि देश का नाम रोशन करने की चाहत रखने वाले खिलाड़ियों का दम बीच में न टूटे। पावर लिफ्टिंग में यश का अब तक का सफर कितना सुखद और दुखद रहा और किन किन मोड़ से होकर गुजरा, ये जानने के लिए हमने उनसे विस्तार से बातचीत की। पेश है उनसे हुई बातचीत के कुछ महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी अंश। यश, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम यश कुमार जिंदल है, मैं बी कॉम ऑनर्स सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ राजधानी कॉलेज में, और साथ में स्पोर्ट्स भी करता हूँ। और मेरी एक बहन है, वो पढ़ती है और जॉब भी करती है। मेरे पापा फार्मासिस्ट हैं और मेरी मम्मी हाउस वाइफ हैं। यश, आपने जो मुकाम हासिल किया है उसके पीछे जो संघर्ष रहा, जो त्याग रहा, उसे क्या आप हमसे साझा करना चाहेंगे? पावर लिफ्टिंग में मैंने 2 गोल्ड मेडल डेली शीट में जीते हैं और 1 सिल्वर और ब्रॉन्ज, और 2 ऑल इंडिया नेशनल में और 1 एशियन में ब्रॉन्ज। आपने कहा कि एशियन बेंच प्रेस चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर चुके हैं, तो ये जीत आपके लिए कितना मायने रखता है? पहले मैं जिम जाता था, अभी एक हाली एक्सीडेंट के बाद तो अचानक मैंने दोबारा से सारा पिकअप किया, अपना रिकवरी करी। उसके बाद पता चला कि एशियन गेम्स हो रहे हैं, एशियन चैम्पियनशिप हो रही है, तो फिर मैं जमशेदपुर ट्रायल के लिए गया। वहाँ पे मैं ट्रायल दे के आया, फिर मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है। फिर उसके बाद मैंने और तैयारी करी। फिर एक दिन कॉल आया कि आप की वीज़ा वगैरह के लिए कि आप कन्फर्म जा रहे हैं। फिर उसके बाद मैं वहाँ गया और जीत के आया। यश, ये बताएं कि एशियन बेंच प्रेस चैंपियनशिप में आपका मुकाबला किस देश के प्लेयर से था और ये मुकाबला कितना कठिन? कजाकिस्तान की टीम के लड़के को हराया था और बहुत ज़्यादा फाइट दी थी। कजाकिस्तान के प्लेयर ने तीनों बारी में 165 नहीं उठा पाया और मेरी फर्स्ट लिफ्ट 140 किलो, देन 152.5 केजी एंड देन 165 केजी। एशियन बेंच प्रेस चैंपियनशिप में जीतने के बाद कैसा फील कर रहे हैं और आगे की आपकी क्या योजना है? फीलिंग प्राउड एंड देन आगे अपने देश के लिए और भी बहुत मेडल जीतने हैं कॉमनवेल्थ में, वर्ल्ड में। आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं, आपकी उम्र भी बहुत कम है। इस उम्र में लड़के क्रिकेट के दीवाने होते हैं, तो आप पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में कैसे चले गए? जैसे जैसे मैं मेरे भैया जो जिम के हैं, जो मेरे को सिखाते हैं, मेरे को ट्रेन करते हैं, जैसे जैसे उन्होंने बताया, मेरी पावर देखी, स्ट्रेंथ देखी, मेरी ट्रेनिंग कराई हार्ड, उस हिसाब से मैं खेलता चले गया। जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था तब मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन तब मैं इतना अवेयरनेस नहीं था, मतलब इतना नहीं ध्यान देता था। बट जब मैं 10th 11th में आया तब मैं ज़्यादा ध्यान देने लग गया था इसमें और फिर मैं खेलने लग गया ये गेम। पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में आपका अब तक का सफ़र कैसा रहा? इस गेम की शुरुआत मैंने फर्स्ट जब मैंने अपना खेला था टूर्नामेंट जमशेदपुर में नेशनल डेडलिफ्ट, वहाँ से करी थी। वहाँ पे मैं 4th प्लेस पे आया था। उसके बाद मैंने कॉम्बे टूर में 2nd अपना टूर्नामेंट खेला था सब जूनियर नेशनल, वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल लगा था। और उसके बाद दिल्ली स्टेट में 2 गोल्ड मेडल जीते थे, देन अगेन 1 सिल्वर एंड ब्रॉन्ज इन दिल्ली स्टेट, देन एशियन। पावर लिफ्टिंग गेम में आपकी रुचि को लेकर घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? थोड़े नाराज भी हुए, थोड़े खुश भी थे, क्योंकि इस गेम की ज़्यादा मतलब पॉपुलैरिटी नहीं है, तो इसलिए मना भी किया था। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, मैं लेके जाऊंगा इसको, पॉपुलर करूंगा मेडल जीत के। आगे पावर लिफ्टिंग गेम को लेकर आपकी क्या योजना है और इस क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं? मैं इस फील्ड को बिल्कुल पॉपुलर करना चाहता हूं, जो जो लोग नहीं जानते हैं उनको दिखाना चाहता हूं कि ऐसा भी कोई गेम है और देश के लिए वर्ल्ड में भी मेडल
जीतना चाहता हूँ। क्लास में पढ़ता हूँ।